और मैंने सोचा था कि ठीक है यार, मैं खरीद लेती हूँ। मैंने कहा मुझे और किसी चीज का शौक नहीं है, आपको पता ही मेरे को मेकअप का भी ज्यादा शौक नहीं है किसी। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारा भी हो रहा है लंच। लंच में हम लगाने जा रहे हैं खाना, और लंच में आज बना है पालक पनीर। और एक्चुअली जब आप पालक लेते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको क्या बनाना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, पालक ज़्यादा था तो उसको मैंने थोड़ा सा रख भी दिया है कि उसको शाम में हम लोग दाल बनाएंगे, पालक वाली जो हम बनाते हैं। और बस पालक पनीर निकालने जा रहे हैं। मामी आई हैं आज, मामी बहुत दिन बाद आ पाई हैं। और ये देखो पालक पनीर एक्चुअली में बनता बहुत बढ़िया है, तो खा के मज़ा आता। जिसको पालक पनीर अच्छा लगता है मतलब इस टाइप का, पहले ये था कि आलू बना लेते हैं, फिर ये हुआ कि नहीं यार पालक पनीर बनाते हैं। उसके साथ बनाई गई है रोटी, और रोटी के साथ है थोड़ा सा चावल। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था चावल लेने का, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चावल बना लेते हैं। और वहाँ सब मस्ती हो रही है, और सारा पूछ रहा है अब उनसे, नानी से, ये क्या है ये क्या है ये क्या है। और सुबह से काम में ये हो गए हैं कि सारे गर्म कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, और थोड़े थोड़े करके कपड़े धुल भी दिए हैं। कुछ कपड़े गर्म ऐसे हो जाते हैं ना, इसमें हल्की सी आपको सफ़ेदी सी दिखने लगती है, जो डार्क कलर होते हैं ना उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। उन सबको धुलने में डालना है, ये सारे काम करने। और दिखाते हैं, ये देखो मेरे फरे आ गए। ये वाला टिफिन आता है तो हम समझ जाते हैं, मामी आई थी हमने समझ गए कि मामी हमारे लिए फरे बना के लेके आई है। तो ये हम करेंगे शाम में नाश्ते में फरे। हमारे पास है खाने पीने का बहुत सारा सामान, और सर्दी आप ये हाँ, और सर्दियों में पता यही होता ही है कि आप खाते पीते रहो और डाइटिंग जो चूल्हे में, लेकिन डाइटिंग मेरी शाम में चल रही है, ऐसा नहीं है। यस गन्नू आप खाएंगे, रोटी निकालें आपकी। ये क्या था? चलो भाई सबका खाना लग गया है, चावल भी बन गए हैं, वो देख लो। देखो ये देख, इसको इतने टाइम कपड़े पहनाना, मामी पता आपको इतना खतरनाक आदत है ये कि कपड़े पहनाने में हम लोगों को थका देता है इतने टाइम। पहन के तैयार हो गए गन्नू, और उसको पता, ये देखो उसको पता नहीं है। ये देखो अंकल जी भी यहाँ पे रखे हैं, अंकल जी को भी नहलाना धुलाना, थोड़े से गंदे हैं। और गन्नू को पता नहीं है कि गन्नू का स्टैंड है, अदरवाइज तो देखो अब मामी के ही पीछे पीछे है। इसको ऐसे ही हमारे यहाँ वहां मम्मी के पीछे पीछे घूमता था। ये लीजिए बिछाइए इसको। हाँ बैठे हाँ, पकड़िए थाली, हम लेके आते हैं। और दिन भर काम करते करते समझ ही में नहीं आता, आप झाड़ू लगाते हो पोछा लगाते हो फिर वैसे का वैसे ही गंदा हो जाता है। और ये डब्बा है, इसमें मैंने सारे जितने भी सामान आते हैं तो मैं भर के रख दिया, तो पूरा गन्नू दिन भर यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। अभी शाम अभी हुई क्या हुई है ये समझो, तो शाम से पहले मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि फिर रहता है ना पूरी रात तक थोड़ा थोड़ा बहुत साफ रहे। और मैंने अपने घर में पहनने वाली स्लीपर्स निकाल दी हैं, क्योंकि अभी मतलब भर का ठंडा हो गया है, ऐसा नहीं कि अभी ठंडा नहीं है। ओह माय गॉड, जूते भी दिए हम लोगों ने तुम्हें, अच्छे हैं ये लोग। यार एक बात बताएं, स्कूल वालों से तो ढंग ही दिया है। ये देखो मामी आराम कर रही हैं, आराम क्या कर रही हैं, बस बैठी हैं बेचारी। अनामिका आई है ऑफिस से, और हम सच्ची होता से मामी आती है तो हम वीडियो बनाना भूल जाते हैं। हाँ पापा गए काम से बेटा, ये गए हुए हैं काम से। काम से क्या, देखो अभी पोछा झाड़ू रो करके आप गर्मी लगने लगी एकदम से, उतनी देर से स्वेटर पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अभी गर्मी लगने लगी। मामी खुद ही देखती कहती है आपका काम दिन भर चलता रहता है, अब दिन भर देख रही है।
दो बार उसी में पॉटी भी कर लेते हैं, उसको कपड़ा पहनाना इस टाइम पे ऐसा फील होता है जैसे एक एक घंटा लगा देता है एक कपड़े पहनने के टाइम पे। गन्नू आइए, आओ यार। अरे बाबा ये गए हैं काम से आज, वही बिल्डर के पास कुछ काम था वहां गए हुए हैं। दिन बीत जाता है पता नहीं चलता है। और मामी दांत आपका सही हुआ? अभी नहीं, हम निकलवाएंगे। निकलवा ही देंगे सीधे सीधे, वो बोला है 3 दांत निकलेंगे। क्या बात करी, फिर खाएंगे किससे? वो लगाएगा पे। अच्छा निकाल के दूसरे दांत लगाएगा, वो कह रहा था पस बन गया है नीचे से। दांत दांत वाले के पास हमें खुद ही जाना है। मेरे इधर हल्का हल्का दर्द होने लगा है, इधर तो है ही गड्ढा, और ये दांत जो टूट गया है इसको घिसवा के कह रहे थे सीधा करा देंगे। हाँ हम जा ही नहीं, कंट्रोल हो रहा है। क्यों मार, तो मार खा लो ना, प्यार है प्यार। अभी ये है कि नीचे इतना ठंडा हो गया कि कुछ ना कुछ बिछाना पड़ता है, तो अभी यहाँ तो फिलहाल मैंने ऐसी चटाई बिछा दी थी, वहाँ दरी बिछा दी है कि गन्नू लोट लोट के अगर खेलना हो तो खेल ले, कहीं भी लेट जाता है मामी, किसी बटन कहीं पे भी लेट जाता है। मौसी जाओ, तुम्हें दिल्ली दिखाएगी अभी, दिल्ली देखने के लिए आजकल पागल रहता है। ऐसे कान से ऐसे पकड़ के खा दो तो बड़ा खुश होता है, कान 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 से बोलता है। आओ हम दिखा दें, आओ हम दिखाएं, इधर आओ हम दिल्ली दिखाएं, कम 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 इधर से आओ ऐसे। अबे क्या, अबे चाय नाश्ता करते हैं और मामी, अरे हाँ यार वो भी फ्राई करके ले आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। खा लेना आप, अब नहीं खाएंगे। क्यों, ये पास कर देगी फ्राई करने के, रखेगी नहीं, मुंह बंद हुआ है जब से। नहीं उसके से अलग अलग आइटम खा रही है, पहले फरा खाई फिर नमकीन खाई फिर बिस्किट खाई फिर क्या पता उसमें से पेठा भी निकाल के खाई हो। देखा मुझे पता रहता है ना उसका, इसीलिए बता रहे हैं। अभी हम फ्राई करके लेके आते हैं, रुकिए फ्राई करते हैं। दिखाई क्यों नहीं देती अनामिका? नमस्कार 112। शी इज नमस्कार 112, उसने जॉब ज्वाइन कर ली है। 112 मतलब 100, ठीक है? अभी वो 112 हो गया। हाँ, तो अगर आप लोग कभी 100 नंबर पे फोन करेंगे आपको आवाज कोई सुनाई दे तो इसमें मरी अनामिका की आवाज भी हो सकती है, एंड ये इसका ड्रेस कोड है। अब आप समझ जाओ हमारी लड़की कितनी कामकाजी हो गई है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। उफ चाल देखिए जरा, इतना शर्मीली है वो। बॉडी बिल्डर टाइप का लग नहीं रहा है क्योंकि बॉडी बिल्डर ऐसे हाथ जोड़ के नहीं खड़े होते, वो ऐसे खड़े होते हैं ना, तो ही इज लाइक मेरी बेटी बहू को मत छेड़ो प्लीज, राइट? इसको थोड़ा इधर को घुमा देना, हाँ दैट्स फाइन दैट्स गुड। मामी अपना फोन दिखाइए जरा, स्क्रीन बहुत फ्लैट, इसी फोन पे आप हमारी वीडियोस देखती है ना? मामी फ्लैट स्क्रीन, मामी हमारा ना जो कहते नहीं है बिल्कुल नहीं ट्रूली वाला जो सब्सक्राइबर नहीं होता है जो कुछ भी हो जाए छोड़ नहीं सकता है। हाँ इसी पर देख लेते हैं, इसी पे देख लेती हैं। गन्नू ने ये दिया है, गन्नू ने दिया है कि लो बात करो,
और आपको पता है मामी हमारे वीडियोस मतलब ऐसे देखती है, मामा आते हैं 7:30 बजे, 7:30 बजे से लगा के 8:30-9 बजे जितने मतलब वीडियो एक दिन में पब्लिश होते हैं मामी मेरे सारे देख डालते हैं। हाँ, एक बार तो मजा तब आया था ना मामी का, हम लोग मेहंदी लगवा रहे थे आगे कमरे में और हम सोचे कि मामी मेरी चली कहाँ गई हैं, बाद में मामी का कहती है दीदी वो तुम्हारे वीडियो देख रही है पीछे कमरे में। क्योंकि मामा थे नहीं, बाहर गए हुए थे ना कहीं, तो मामी को टाइम नहीं मिल पाया था हमारे वीडियोस देखने के लिए, तो मामी सोचो इस तरीके से देख रही थी कि हम खुद घर में बैठे हुए थे। दिन मेरा बड़ा अच्छा गया, ये देखो ये कह रहे हैं कि शूज पहनो जल्दी से तुम्हें छोड़ के आता हूँ मैं, तो इनके शूज लेके आया है वो पहन के बैठा हुआ है आज। चलिए ये शूज बहुत इनको मजा आता है पहनने में। हाँ ये पहन भाई। हाँ, कह रहा है कच्चे ये वाला आप पहनो और बस। एक्चुअली मामा घर आ गए ना इसीलिए बस मामी जा रही है, 6:15 बज गया है और बस मामी हमसे भी कह रही है चलो घूमो चल के थोड़ी देर, तो हमने कहा यार अभी नहीं चलेंगे मामी, अभी इसको हम भेज रहे हैं जानबूझ के कि गाड़ी में इसको लेके आ जाएंगे, तब तक हम जो घर फैलाया है ना गन्ने ने हमारा उसे थोड़ा सा समेट देते हैं और भले ही मास्क लगाना भूल जाए कहीं भी जाते टाइम, ये देखो तुरंत देता है ये मतलब पूरी वहां से नहीं छूटा है। अरे ये बाथरूम है ना ये बनवाया हम लोगों ने, यहाँ क्यों बनवा दिया, वो छुड़वा के बनवाया है मामी चिंता मत करिए। हाँ 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 आइए दिखाते हैं, आइए सुबह से अब जाके टाइम मिला है मुझे थोड़ी देर बैठने का, अभी जस्ट मैंने वीडियो पब्लिश कर दिया है देखिएगा जरूर। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब दोपहर में बस 1 या 2 घंटे ऐसा टाइम है जब आपको ठंड कम लगेगी, अदरवाइज ठंड बहुत बढ़ गई है। और ये मैंने लाइफ में पहली बार इतना महंगा कुछ सामान मंगाया है, वो भी इतना छोटू सा, और ये जल्दी आप मेरे व्लॉग में देखोगे, मैं जल्दी इसके लिए एक अलग से वीडियो बना लूँगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए वीडियो बनाने के लिए। और आपको पता है पहली बार ऐसा हुआ मैंने इन ऑर्डर कर दिया और इनको बताया नहीं, बहुत मन कर रहा था मेरा, मैं इसको मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 दिन से डेली देखती थी, ठीक है हर सारी वेबसाइट्स पे देखती थी, डेली देखती थी कि मुझे ये खरीदना है, बट मैं नहीं खरीद पा रही थी बिकॉज ये काफ़ी कॉस्टली है। और मैंने सोचा था कि ठीक है यार मैं ख़रीद लेती हूँ, मैंने कहा मुझे और किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, आपको पता ही मेरे को मेकअप का भी ज़्यादा शौक़ नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है, बट मुझे इस चीज़ का शौक़ था। और सोचते रहे एक दिन रात में पता नहीं किस बात पे मुझे गुस्सा आई और मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और 2 दिन में ये मेरे हाथ में है। आप लोग बताइएगा, गैस करिए ये क्या है। और ये महंगा मतलब आप ये जान लो मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा है, ये ज़िंदगी का सबसे महंगा, अभी तक का नहीं ज़िंदगी का सबसे महंगा है। और मैंने इसको खोला, मतलब आप ये चीज़ सोचो छोड़ो, मैंने इसको खोला और मैं इसको ये देखो इधर लेके इसको बैठे, मैं इतना थक गई थी मैंने कहा अभी इसको संभाल लो तुम, क्योंकि ये सुबह से बाहर थे छोटे छोटे काम से और अभी ये भी घर के अंदर आए हैं, तो ये हुआ कि थोड़ी देर हम गन्नू तुम खेलो, मेरे को 10 मिनट पता है क्या होता है मेरे को बैटरी चार्ज करने के लिए 10 मिनट चाहिए होते हैं, बस मैं 10 मिनट लेटूंगी आराम करूंगी मेरा ठीक ठाक हो जाएगा। और अभी बस खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बहुत थोड़ा सा बनाना है क्योंकि हम लोग खा के बैठे हैं,
मैंने इसको दो बार खोला लगाने के लिए, लेकिन मैंने लगाया नहीं उसको, मैंने रख दिया। मैंने कहा नहीं यार, जब मैं वीडियो शूट करूंगी मैं तब लगाऊंगी, अदरवाइज मेरा ये खत्म हो जाएगा। और ये मुझसे कह रहे हैं ऐसा ना हो तुम्हारा रखा रखा खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए और तुम सोचो कि यार मैं लगाऊंगी नहीं। और ये मेरा अब तक का सबसे महंगा लिप ग्लॉस है, सबसे महंगा लिप ग्लॉस। और ये गेस करो कौन सा है, और आप लोग तब तक देख लो, अगर इसका मैं रेट बताऊं तो 3400 रुपये का है ये। 3400 मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, 3400। और मैंने अभी तक कुछ अपने लिए शायद इतना महंगा पर्सनली मैंने अपने लिए नहीं मंगाया था, लेकिन ये पहली बार मंगाया है। फीलिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन बस एक्चुअली मुझे जो शेड चाहिए था वो शेड नहीं मिल रहा था, मैं काफ़ी टाइम से वो शेड देख रही थी। 005 चाहिए था लेकिन मुझे 007 मिला है, बट वो भी अच्छा है। आप लोग चाह रहे होगे लगा के दिखाऊं, मेरा खुद बहुत मन कर रहा है, बट मैं पता ही क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि मेरे को अभी ना कोई वीडियो शूट नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो मैं सोच रही हूँ अभी लगाऊंगी तो फिर मेरा ख़राब हो जाएगा। मैं कल लगाऊंगी, या अगर मैं इसका वीडियो शूट करती हूँ तो मैं इसको लगाऊंगी, तो मैं फ़ोटो इसके साथ ज़रूर डाल दूंगी और इसका रिव्यू मैं अलग से दूंगी, आप लोग देखिएगा, और एक्सपीरियंस मैं आपको अलग से बताऊंगी कि इतनी महंगी चीज़, इतना महंगा लिप ग्लॉस। यार थैंक यू सो मच। आप लोग पता है मुझे क्या वो देते हो, मोटिवेशन देते हो कि मतलब अभी मैं नहीं मंगा रही थी, पर मैंने कहा नहीं यार, अगर मुझे कोई छोटी सी चीज़ अपने लिए तो मैं अपना कर ही सकती हूँ। तो फिर मैंने 25 से 30 दिन सोचने के बाद में तब जाके मैंने इतनी महंगी ये चीज़ अपने लिए मंगाई है। और आप लोग बताइएगा आपने अपने लिए कौन सी चीज़ ऐसी मंगाई है महंगी सी जो आपने ख़रीदी और आपको लग रहा है पैसे बहुत ज़्यादा है, बट आपको ये था कि नहीं यार मेरे को ख़रीदना है, ऐसी वाली फीलिंग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आज का ब्लॉग कैसा लगा छोटू सा मेरा बताइएगा, कैसा मतलब आपको कैसा लगा बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आज मेरा एक कमरा तो बिल्कुल सही है, दूसरे कमरे में सब स्वेटर्स निकाल के रखे हैं जिन्हें थोड़े बहुत धोने हैं, थोड़े बहुत फैलाने हैं। मिलती हूँ कल, सर्दियों में बढ़ जाते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे काम। और बस आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।